बहार है, हर चेहरे पे आज निखार है। दोस्तों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार है। आज हम बीर में हैं। हम लोग कल बीर में पहुंच गए थे, लेकिन बहुत रात हो गई थी, तो क्योंकि पहाड़ों पे स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं, इसलिए हमें ये वीडियो सुबह शुरू करनी पड़ी। आप मेरे पीछे देखेंगे, पूरी धौलाधार की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। चारों तरफ धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं और बर्फ़ जमी हुई। देखो, मई के मौसम में पूरी बर्फ़ से भरी हुई पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। पहाड़ियों की वादियों ने हमें बुलाया है और हमने इस ग्रीनरी ने याद दिलाया है कि कभी कभी साफ हवा में भी सांस ले लेना चाहिए। दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि हमें डिटॉक्सिफाई होने के लिए यहाँ आना पड़ता है। पहाड़ों पे चढ़ो, कोई थकान नहीं है। ये बर्फ़ से भरी हुई चोटियाँ बताती हैं कि मई के महीने भी देखो ये आइस कवर्ड हो सकती हैं। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ गर्मी है, सुबह बहुत सुहावना मौसम था, लेकिन नीचे गर्मी है। बीर एक्चुअली हिमाचल प्रदेश का एक विलेज है, बीर बिलिंग के नाम से फेमस है। ये बीर लैंड डाउनटाउन है, लैंड्स डाउनटाउन मतलब ऊपर से पैराशूटर्स आते हैं और बीर में लैंड होते हैं। बिलिंग से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो आज हम भी बीर बिलिंग से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। आपको दिखाएंगे कैसे पैराशूटर्स बिलिंग से बीर में लैंड होते हैं। बाबा आ रहे हैं, दो और आ रहे हैं, तीन और। पैराशूटर्स जो हैं, पैराग्लाइडर्स, ये शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे जैसे ही सूरज निकलता है शुरू हो जाते हैं ये। देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्या मस्ती है ऊपर से। जस्ट लाइक बर्ड्स दे आर फ्लाइंग इन द स्काई एंड एंजॉयिंग द राइड। और हम क्योंकि एज हो चुकी है, हम पैराग्लाइडिंग कर नहीं सकते हैं, तो हम इनको यहीं से देख के मस्त हो रहे हैं। नीचे देखो आप, पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही हैं और ऊपर ये पैराग्लाइडर्स मस्ती करते हुए। आज अच्छी सनशाइन है तो सुबह शुरू हो गई। कई बार क्लाउड्स होते हैं तो फिर वेट करना पड़ता है, क्लाउड्स जो हैं वो ख़त्म हो, मौसम साफ हो। आज मौसम बहुत साफ है और ये फुल मस्ती हो रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है बीर विलेज, ग्रीनरी देखो आप, हर तरफ जहाँ घूम जाओगे वहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी। सब तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, पेड़ ही पेड़। नीचे ये हम यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ नीचे, यहाँ भी बहुत ग्रीनरी है। यहाँ पे छोटे छोटे रिजॉर्ट्स और होम स्टे बने हुए हैं। ज़्यादातर लोग हिमाचल, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों से आते हैं यहाँ की जलवायु का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है और ज़्यादातर बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। वर्क फ्रॉम होम है जिनका, शांति है, यहाँ आके वो अपना काम कर सकते हैं। ऑलरेडी बुकिंग करानी पड़ती है, कई बार बुकिंग नहीं अवेलेबल होती। ये हमारा होम स्टे है, इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ सबसे मेन बात जो मुझे अच्छी लगी, ये लोग पेड़ काटते नहीं, नेचुरल जैसी भी ग्रोथ है उसी को मेंटेन कर देते हैं। ये है इनका डाइनिंग एरिया, ये है इनकी पार्किंग लॉट, ये है इनके होम स्टे।
छोटा सा होम स्टे है। आप यहाँ जो भी देखेंगे होम स्टे वो बहुत छोटे छोटे हैं। एक्चुअली यहाँ एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं इतनी, ये लोग अपनी खेती करते हैं, तो जो अपना घर होता है उसी में थोड़ा बहुत करके 4 कमरे 5 कमरे इतना ही ये करके उसको होम स्टे में चेंज कर देते हैं। और बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है, आपको बिल्कुल लगेगा नहीं, खुद ही खाना बनाते हैं, कोई इन्होंने वो रखा नहीं हुआ कुक वगैरह, छोटी सी बेटी है वो खाना बनाती है आराम से और बढ़िया तरीके से, बिल्कुल घर के माहौल जैसा सर्व किया जाता है। हमें तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धूप पूरी खिली हुई है, धूप में खड़े जाओ तो भी अच्छा होता है, छाँव में बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। कुल मिला के क्लाइमेट इंजॉयबल है, जब भी आप यहाँ आओगे यहाँ का क्लाइमेट ऐसे ही रहता है, पूरा वेदर जो है वो सर्दी गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी ज़रूर हो जाएगी थोड़ी, लेकिन गर्मियों में वेदर बिल्कुल इसी तरह का है। व्हेनेवर यू कम इन एनी सीज़न यू विल इंजॉय